नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बीए द्वितीय वर्ष की हिंदी के पाठ्य पुस्तक में संकलित मैथिली क्षणगुप्त द्वारा रचित जैतर्थवद की व्याख्या कर लेते हैं। जैतर्थवद मैथिली क्षणगुप्त द्वारा रचित एक खंड काव्य है। काव्य के दो पार्ट होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक। प्रबंध काव्य के तीन पार्ट होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक। तो इसमें हम खंड काव्य करते हैं। खंड काव्य जीवन में जीवन की किसी एक घटना या मार्मिक अनुभूति का चित्रण किया जाता है और महाकाव्य में संपूर्ण घटना का वर्णन किया जाता है। तो जयद्रथवद एक खंड काव्य है। इसकी जो कथा है वो महाभारतकालीन जयद्रथ के वध से संबंधित है। जब अभिमन्यु द्रोणाचार्य द्वारा निर्मित चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया, तब युद्ध के नियमों के विरुद्ध सात योद्धाओं ने अभिमन्यु पर छल पूर्वक आक्रमण किया और जयद्रथ की गदा द्वारा वह मारा गया। जयद्रथ था, वो दुशला का पति था और उसने अभिमन्यु को मारा। महारथी अर्जुन अपने पुत्र की, और वो जो भीमन्यु था वो महारथी अर्जुन का पुत्र था। तो महारथी अर्जुन अपने पुत्र की धर्म विरुद्ध मृत्यु से बड़े दुखी हुए। उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्यास्त से पूर्व या तो मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, अन्यथा मैं अग्नि में जलकर मर जाऊंगा। कौरव सेना ने जयद्रथ को कहीं दूर छिपा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला द्वारा सूर्य को बादलों में छिपा दिया। तब कौरव दल अर्जुन की अग्नि में जलते हुए को देखने के लिए जयद्रथ के साथ वहां पहुंच गया। भगवान कृष्ण ने अपनी लीला से बादलों को ओझल कर दिया और सूर्य के दर्शन हुए और अर्जुन ने गांडीव धनुष पर बाण चढ़ाकर जयद्रथ का वध कर दिया। तो इस तरह से उसका वध करने के बाद जब सभी पांडव, युधिष्ठिर के अलावा जो और पांडव थे और श्री कृष्ण, वो युधिष्ठिर से मिलने जाते हैं और इस विजय का की खबर देते हुए कहते हैं कि उन्मत्त विजय उल्लास से सब लोग मत गयंत से राजा युधिष्ठिर के निकट पहुँचे बड़े आनंद से। देखा युधिष्ठिर ने उन्हें जब जान ली निज जय, तभी सुख चिहन से ही चित्त की बुध जान लेते हैं सभी। तो इन पंक्तियों में मैथिली क्षणगुप्त जी ने जयद्रथ वध के पश्चात अर्जुन और श्री कृष्ण सहित समस्त पांडव सैनिक किसी उन्मत्त, उन्मत्त का अर्थ होता है पागलपन, विजय उल्लास का अर्थ होता है विजय की खुशी के कारण सब लोग मत 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 मस्त, गयंत का अर्थ होता है हाथी, कि समस्त पांडव कृष्ण के साथ एक मस्त हाथी की भांति विजय के उल्लास से पागल होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ महाराज युधिष्ठिर के पास, राजा युधिष्ठिर के निकट पहुँचे बड़े आनंद से। बड़ी प्रसन्नता, आनंद का अर्थ होता है प्रसन्नता, बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा युधिष्ठिर के पास पहुँचे। देखा युधिष्ठिर ने उन्हें जब, और महाराज युधिष्ठिर ने जब उन सबको अपनी तरफ आते हुए देखा, जान ली निज जय, तभी उन्होंने अपनी विजय का अनुमान लगा लिया। कैसे लगा लिया? सुख चिहन से ही चित्त की बुध जान लेते हैं सभी। बुध का अर्थ है दशा। तो उसने, युधिष्ठिर ने उनको आते हुए देखकर उसी प्रकार से अंदाजा लगा लिया जिस प्रकार से लोग सुख चिन्ह, सुख के संकेतों को देखकर चित्त की बुद्ध जान लेते हैं, मन की दशा को जान लेते हैं। उसी तरह से युधिष्ठिर ने भी उनकी विजय का अनुमान लगा लिया। तो यहाँ पर कवि ने जयद्रथ वध के पश्चात पांडव के विजय उल्लास का सजीव चित्रण किया है। तब अर्जुनादि ने उन्हें बढ़कर प्रणाम किया, वहां सिर पर उन्होंने हाथ रख सुख दिया और लिया। वहां सब लोग उनको घेर कर थे उस समय उत्सुक खड़े, बोले युधिष्ठिर से शंभु सुंदर सुमन मानो जड़े। इन पंक्तियों में मैथिली क्षणगुप्त जी कहते हैं कि तब अर्जुनादि ने उन्हें बढ़कर प्रणाम किया, कि अर्जुन आदि का अर्थ है अर्जुन के साथ जो लोग थे, कि अर्जुन आदि वीरों ने उन्हें बढ़कर, आगे बढ़कर प्रणाम किया, उनका अभिवादन किया। सिर पर उन्होंने हाथ रख, फिर युधिष्ठिर ने अर्जुन और सभी वीरों के सिर पर हाथ रखकर सुख दिया और लिया वहां। तो
तो उनको आशीर्वाद का सुख दिया और स्वयं भी सुख प्राप्त किया। सब लोग उनको घेर कर थे उस समय उत्सुक खड़े। सभी योद्धा उस समय महाराज युधिष्ठिर को घेर कर उत्सुक खड़े थे, जिज्ञासु भाव से खड़े हुए थे। बोले युधिष्ठिर से शंभु, शंभु का अर्थ है यहाँ पर श्री कृष्ण, सुंदर सुमन मानो झड़े। और कुछ क्षणों बाद जब श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कुछ कहने को आगे बढ़े तो ऐसा लग रहा था मानो सुंदर फूलों की, सुंदर सुमन, सुमन का अर्थ होता फूल, मानो सुंदर फूलों की वर्षा होने लगी। तो यहाँ पर पांडव योद्धाओं के विजय उल्लास का मैथिली क्षणगुप्त ने सजीव वर्णन किया है। हे तात, जीत हुई तुम्हारे पुण्य पूर्ण प्रताप से, रण में जयद्रथ वध हुआ छूटे धनंजय ताप से। तुमने इन्हें सौंपा सवेरे या हमारे हाथ में, सो लीजिए अपनी धरोहर सुख सुयश के साथ में। तात्कार होता है भाई, संबोधन करके कहता है कि हे तात, हे भाई, जीत हुई तुम्हारे पुण्य पूर्ण प्रताप से। श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को संबोधित करके कहने लगे कि हे भाई, आज के युद्ध में जयद्रथ मारा गया, इस प्रकार यह अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पुण्य पूर्ण प्रताप से, अपनी पूर्ण मतलब के अपनी जो प्रतिज्ञा थी उसकी ने जो प्रतिज्ञा कर रखी थी उसका पुण्य कर्म कर दिया है। रण में जयद्रथ वध हुआ, रण में जयद्रथ वध मारा गया छूटे धनंजय ताप से। धनंजय का अर्थ अर्जुन, और जो धनंजय थे वो अपने जो उसने पूर्व जो प्रतिज्ञा कर रखी थी उस ताप से मुक्त हो गए हैं। तुमने इन्हें सौंपा सवेरे या हमारे हाथ में, तुमने आज सुबह अर्जुन को मेरे हाथों में सौंपा था ताकि वो सुरक्षित रहकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर सके। सो लीजिए अपनी धरोहर, इसलिए मैं इस आपकी अमानत को आपको दोबारा से सुख शांति से सौंप रहा हूँ, सुख सुयश के साथ में, और सुख और कीर्ति के माध्यम से मैं इसे आपको सौंप रहा हूँ। आप अपनी इस धरोहर को संभाल लीजिए। जब जयद्रथ मारा गया था युद्ध में, तो उसके बाद जब श्री कृष्ण वापिस अर्जुन के साथ आता है तो वो युधिष्ठिर को कहता है कि आप ये जो अपनी धरोहर जो सुबह सौंप के गए थे कि सुख शांति से ले आना, इसको मैं अब वापिस सुख और सुयश कीर्ति से, सुख से और कीर्ति से आपको सौंप रहा हूँ। सुनकर मधुर घन शब्द को पाते प्रमोद मयूर ज्यों, श्री कृष्ण के सुन वचन सबको सुख हुआ भरपूर त्यों। राजा युधिष्ठिर हर्ष से सहसा न कुछ भी कह सके, थे भक्ति के गुरु भार से मानो वचन उनके थके। तो इन पंक्तियों में मैथिली क्षणगुप्त जी कहते हैं कि सुनकर मधुर घन शब्द को पाते प्रमोद ज्यों, कि भगवान श्री कृष्ण के उन वचनों को सुनकर सबके मन में वैसा ही हर्ष व सुख उत्पन्न होता है जैसा कि घन शब्द को पाते, मतलब बादलों की गर्जन को सुनकर प्रमोद का अर्थ होता खुशी, मयूर मोर। जिस तरह से बादलों की गर्जन को सुनकर मोर खुशी से झूम उठते हैं, उसी तरह से श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर भी सभी के मन में हर्ष व खुशी छा जाती है। श्री कृष्ण के सुन वचन सबको हुआ सुख हुआ भरपूर, तो श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर भी सभी खुश होते हैं। राजा युधिष्ठिर हर्ष से सहसा न कुछ भी कह सके, थे भक्ति के गुरु भार से मानो वचन उनके थके। गुरु भार, यहाँ पर गुरु का अर्थ गुरु, गुरु जी नहीं है, गुरु का अर्थ है भारी। तो राजा युधिष्ठिर हर्ष से सहसा न कुछ भी कह सके। कवि कहता है कि उस समय महाराज युधिष्ठिर प्रसन्नता की अधिकता के कारण कुछ भी नहीं बोल सके, क्योंकि कई बार हम ज्यादा खुश होते हैं तो हमारा गला रुद जाता है, और दुख दुख होता है तो भी गला रुद जाता है, और कोई भी आवाज हम नहीं बोल, चाह कर भी नहीं बोल सकते। तो यही बात यहाँ पर इसने कही। कवि कहता है कि उस समय महाराज युधिष्ठिर भी प्रसन्नता की अधिकता के कारण कुछ वहां पर बोल नहीं सके थे। ऐसा लगता था कि थे भक्ति के गुरु भार से
मानो वचन उनके थके, मानो कि श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति के भारी बोझ के कारण उनके जो वचन थे, उनकी जो वाणी थी वो थक सी गई थी, कि वो श्री कृष्ण का आभार व्यक्त करना चाहते थे लेकिन उनका गला रुध गया जिससे वो मौन हो गए थे। साक्षात चराचर नाथ तुम रखते शिवम जब हो दया, आश्चर्य क्या फिर जो जयदर्थ युद्ध में मारा गया, तो भी उसे सुनकर हृदय में सुख समाता है नहीं, साधन सफलता सुख सदृश सुख दृष्टि आता है नहीं। तो इन पंक्तियों में महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं, साक्षात का अर्थ होता है प्रत्यक्ष चराचरनाथ, चर और अचर के स्वामी शिवम भगवान, तुम रखते शिवम जब हो दया। तो युधिष्ठिर श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रत्यक्ष चर और अचर के स्वामी, हे भगवान, जब तुम रखते स्वयं जब हो दया, जब आप स्वयं सब भक्तों पर अपनी कृपा रखते हो, आश्चर्य क्या फिर जो जयदर्थ युद्ध में मारा गया। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जयदर्थ युद्ध में मारा गया, तो भी उसे सुनकर हृदय में सुख समाता है नहीं, साधन सफलता सुख सुख दृष्टि आता नहीं, परंतु फिर भी हे प्रभु यह सुनकर हृदय में सुख समाता है नहीं, मेरे हृदय में सुख नहीं समा पा रहा है, साधन सफलता सुख सदृश, क्योंकि साधन रूपी सफलता है, वो सफलता से जो प्राप्त है वो सुख के समान मुझे इस विजय में सुख नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी हुई तो किसी आदमी की ही हत्या है, तो उस हत्या को वह साधन रूपी सफलता मानता है जिससे मन को मन में को शांति नहीं मिलती है। तो कहता है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जयदर्थ युद्ध में मारा गया, क्योंकि आप जब भी किसी के साथ होते हो तो आप तो स्वयं में भगवान हो, पता नहीं क्या क्या से क्या कर सकते हो, ठीक है। तो क्यों मतलब जयदर्थ वध का क्यों मैं इतना आश्चर्य वो करूँ कि जयदर्थ है वो युद्ध में मारा गया, क्योंकि जयदर्थ युद्ध में मारा जाना था ये तो मुझे पहले ही पता था, क्योंकि आप तो शिव में ही भगवान हो, इसलिए आप जो चाहते हो वही होता है, लेकिन मैं साधन रूपी सफलता से ज़्यादा सुखी नहीं हूँ, क्योंकि इसमें के कारण, क्योंकि जो जयदर्थ है वो उसकी मृत्यु हुई है, यहाँ पर किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, और ये साधन रूपी सफलता है, और इस साधन रूपी सफलता से जो सुख मिलता है वो मुझे मेरे मन में बेचैनी उत्पन्न करता है। तो युधिष्ठिर के कथन से स्पष्ट है कि महाभारत युद्ध में विजय साध्य हो गई वह साधन नहीं रह गई थी, साथ ही जयदर्थ का वध भी पांडव के लिए साधन न रहकर साध्य हो गया, यही कारण है कि युधिष्ठिर को जयदर्थ वध के समाचार से सुख की प्राप्ति नहीं हो रही। बहुविध तत्व ज्ञानियों ने बात यह मुझसे कही, माधव तुम्हें जो इष्ट होता सर्वदा होता वही, अज्ञानता से मूर्ख जब मानो तुम्हें हम मानते, ज्ञानी विवेकी विग्वर विश्ववेश तुमको जानते। तो इन पंक्तियों में युधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, बहुविध बहुविध का अर्थ है बहु अनेक विघ का मतलब जानकर, तत्व ज्ञानी मतलब तत्व का ज्ञान रखने वाले, कि बहुत सी बातों के जानकार अथवा तत्व का ज्ञान रखने वाले ज्ञानी जनों ने मुझसे यह बात कही है कि माधव तुम्हें जो इष्ट होता सर्वदा होता वही, कि हे माधव हे ईश्वर हे श्री कृष्ण, संसार में हमेशा तुमने जो इष्ट होता जो तुम्हें तुम्हारी इच्छा होती है सर्वदा होता वही, हमेशा वही संसार में घटित होता है। अज्ञानता से मूर्ख जब मानव तुम्हें मानते, अज्ञानवश जब मूर्ख तुम्हें एक साधारण मानव समझने की भूल करते हैं तो वो बहुत ही मूर्ख होते हैं, क्योंकि मूर्ख लोग ही तुम्हें एक साधारण मनुष्य समझते हैं। ज्ञानी विवेकी विग्वर, विग्वर का अर्थ होता है बुद्धिमान, विश्ववेश तुमको जानते, विश्ववेश का अर्थ होता है ईश्वर या भगवान, ज्ञानी विवेकी और बुद्धिमान व्यक्ति तो तुमको भगवान मानते हैं। तो यहाँ पर युधिष्ठिर का कथन श्री कृष्ण के भगवान होने की ओर संकेत कर रहा है। जो कुछ किया तुमने शवम है देव देव हुआ वही, जो कुछ करोगे तुम शिवम आगे वही होगा सही, जो कुछ शिवम तुम कर रहे हो रहा है अब तथा, है हेतु मातर सदैव हम,
कर्ता तुम ही हो सर्वथा। तो इन पंक्तियों में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा है कि जो कुछ किया तुमने स्वयं है देव देव, कि हे देवों के देव श्री कृष्ण, आपने जो जो कुछ कार्य किया है संसार में वही कार्य हुए हैं, जो कुछ करोगे तुम स्वयं आगे वही होगा और इस संसार में आगे भी वही होगा जो तुम करोगे, जो कुछ स्वयं तुम कर रहे हो और फिलहाल भी जो तुम कुछ कर रहे हो अब भी वही हो रहा है हेतु मातर सदैव हम कर्ता तुम ही हो सर्वथा। हे प्रभु हम सब तो सिर्फ केवल हेतु मात्र हैं, कारण मात्र हैं और सब कुछ करने वाले तो आप ही हो। इस संसार में जब भी कभी मैं वर्तमान में जो कुछ हो रहा है या भविष्य में जो कुछ होगा या फिर भूतकाल में जो कुछ हो चुका है वो सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है। हो निर्विकार तथापि तुम हो भगत वत्सल सर्वदा, हो तुम निर्ही तथापि अद्भुत सृष्टि रचते हो सदा, आकारहीन तथापि तुम साकार सनत सिद्ध हो, सर्वेश होकर भी सदा तुम प्रेम वश्य प्रसिद्ध हो। इन पंक्तियों में युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण तुम निर्विकार हो, तुम विकार रहित हो, तथापि तुम हो भगत वत्सल सर्वदा और तब भी हमेशा ही अपने भक्तों पर कृपा करते हो। हो तुम निरही, निरही का अर्थ होता है साधारण, तथापि अद्भुत सृष्टि रचते हो, तुम अत्यंत साधारण हो परंतु हमेशा ही विचित्र संसार की रचना करते हो। आकारहीन तथापि तुम आकारहीन हो, तथापि तुम साकार सनंत सिद्ध हो, तब भी तुम निरंतर साकार रूप में प्रमाणित होते हो। सर्वेश होकर भी सदा तुम प्रेम वश्य प्रसिद्ध हो और तुम सबके ईश्वर हो, तुम हमेशा प्रेम के वश में रहने वाले के रूप में प्रसिद्ध हो। तो युधिष्ठिर का कथन श्री कृष्ण के स्वरूप को प्रकट करता है। करते तुम्हारा ही मनन मुनि रथ तुम ही में ऋषि सभी, संतंत तुम्ही को देखते ध्यान में योगिंदर भी, विख्यात वेदों में विभो, विभो का अर्थ है वैभव, सबके तुम ही आराध्य हो, कोई न तुमसे बड़ा तुम एक सबके साध्य हो। तो इन पंक्तियों में युधिष्ठिर श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे श्री कृष्ण समस्त करते तुम्हारा ही मनन मुनि रथ तुम्ही में ऋषि सभी, कि समस्त ऋषि मुनि सदैव अपने मन में तुम्हारा ही स्मरण करते हैं, तुम्हारा ही मनन करते हैं, संतन तुम्ही को देखते ध्यान में योगिंदर, समस्त ऋषि आदि सदैव तुम में ही तल्लीन रहते हैं, ध्यान लगाने वाले सभी योगी जन भी निरंतर तुम्ही को देखते रहते हैं, विख्यात वेदों में विभो, हे कृष्ण तुम्हारा वैभव तो वेदों में विख्यात है, सबके तुम ही आराध्य हो, समस्त जनों के तुम ही भगवान हो, तुम ही आराध्य हो, कोई न तुमसे बड़ा, इस सृष्टि में तुमसे बड़ा कोई नहीं हो, तुम एक सबके साध्य हो, तुम सब इन सब मुनि ऋषि मुनियों के और पूरे संसार के तुम ही साध्य हो, तुम ही भगवान हो। तो यहाँ भी श्री युधिष्ठिर का श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव प्रकट हुआ है। धन्यवाद।